हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि FMEA यानी कि फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस की शुरुआत कहां से हुई थी, सबसे पहले किन-किन इंडस्ट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था। जो अब तक के चार एडिशन आए हैं जो कि AIAG ने पब्लिश किए थे, वो कौन कौन से ईयर में पब्लिश किया थे। दोस्तों, AIAG क्या है? AIAG हमारे एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो जाइंट्स, बड़े बड़े जाइंट्स हैं, फोर्ड हो गया, क्रिसलर हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, इनके ग्रुप है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। तो अब तक के जो FMEA के एडिशन थे वो सिर्फ और सिर्फ AIAG ने पब्लिश किए थे, रिलीज किए थे। लेकिन एक नया एडिशन आया है जिसको AIAG और VDA ने मिलकर पब्लिश किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स करी है। तो अभी आप सोचोगे कि VDA क्या है? VDA भी ऐसे ही कुछ जाइंट्स का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं बर्बंडर इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों, जो हमारा फोर्थ एडिशन था वो AIAG ने पब्लिश किया था, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन आया है जिसको फर्स्ट एडिशन ऑफ AIAG प्लस VDA बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फोर्थ एडिशन है और जो नया एडिशन अभी आया है फर्स्ट एडिशन, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चेंज पॉइंट्स हैं जो फोर्थ एडिशन से फर्स्ट एडिशन में अब AIAG प्लस VDA के में आए हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप हम सबके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि मेरी वीडियो अगर आपसे कुछ स्किप हो भी गई है तो वहां पे जाके आप उनको देख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक साइड मैंने फोर्थ एडिशन AIAG के पॉइंट्स लिखे हैं कि पहले AIAG के फोर्थ एडिशन में क्या क्या चीजें थी, और दूसरी साइड मैंने फर्स्ट एडिशन AIAG प्लस VDA के पॉइंट्स लिखे हैं, और जो दोनों में चेंज पॉइंट है उनको मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। दोस्तों, अगर बात करें रिलीज की, तो जो फोर्थ एडिशन ऑफ AIAG का था वो जून 2018 में पब्लिश हुआ था AIAG के द्वारा। वही जो फर्स्ट एडिशन ऑफ AIAG प्लस VDA है वो पब्लिश हुआ है जून 2019 में। मैं आपको बता दूं कि अभी भी हर इंडस्ट्रीज ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है, बट 2023 से अब जो है इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट करती जा रही है। और इस पे एक बात और भी कही गई है कि जो हमारे पुराने पार्ट्स हैं जो कि फोर्थ एडिशन के हिसाब से जिस फॉर्मेट में बने हुए हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर उसमें कोई अपडेशन भी आता है तो भी वो फॉर्मेट चल जाएगा। लेकिन जो हमारे नए पार्ट डेवलप हो रहे हैं, उन जो नए पार्ट के जो FMEA बनेंगे वो हमारे AIAG फर्स्ट एडिशन के हिसाब से बनने चाहिए, AIAG प्लस VDA के फर्स्ट एडिशन के हिसाब से बनने चाहिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे तो 100-200 पार्ट चल रहे हैं और सबके सब हमें दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने पार्ट के बने हुए हैं उसी फॉर्मेट में चलेंगे, लेकिन जो नए पार्ट डेवलप हो रहे हैं उनका जो फॉर्मेट होगा वो हमारा नए एडिशन के हिसाब से होगा। तो मैंने बताया आपको कि जो फोर्थ एडिशन था वो जून 2008 में रिलीज हुआ था, वही जो AIAG प्लस VDA का फर्स्ट एडिशन है वो जून 2019 में AIAG और VDA के थ्रू पब्लिश हुआ है। की डाटा, सॉरी, की डेट एंड प्रीपेड बाय, ये टर्मिनोलॉजी थी, की डेट और प्रीपेड बाय। प्रीपेड बाय किसने प्रिपेयर किया है और की डेट कब प्रिपेयर हुआ है, वो पहले फॉर्मेट में यूज होता था, लेकिन अब की डेट और प्रीपेड बाय को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब सीधी बात है कि कोई एक बंदा तो प्रिपेयर करेगा नहीं और ना एक दिन में FMEA बन सकता, इसलिए नए फॉर्मेट में की डेट और प्रीपेड बाय को एलिमिनेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। कोर टीम यूज होती थी पहले फॉर्मेट में, कि FMEA को बनाने के लिए आपकी कोर टीम कौन सी थी, तो कोर टीम को आप एलिमिनेट करके उसकी जगह CFT वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। CFT क्या होता है दोस्तों? CFT होता है हमारा क्रॉस फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम। तो CFT को कोर टीम को हटा के फॉर्मेट के अंदर CFT टर्म को यूज किया जा रहा है। चौथा जो चेंज पॉइंट है इसमें वो था कि FMEA कॉन्फिडेंशियल नहीं था, पहले आप FMEA को कॉन्फिडेंशियल ले सकते थे, लेकिन जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया है उसमें हम FMEA को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, हम अपने कस्टमर से भी FMEA को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, हालांकि कस्टमर मांग लेते हैं और हमें दिखाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा, इस नए एडिशन के हिसाब से FMEA को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं।
प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट यूज इन फॉर्मेट। पहले हमारी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो फॉर्मेट में कहीं भी यूज नहीं होती थी कि प्रोसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, लेकिन अब हर प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी गई है और नए फॉर्मेट में प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज किया जा रहा है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। पहले फॉर्मेट मेक बाय यूजिंग 10 स्टेप्स, जो एफएमए का जो आपने फॉर्मेट देखा होगा वो 10 स्टेप में डिवाइड हो रखा था, उसके 10 स्टेप थे, लेकिन अब जो हमारा फॉर्मेट है उसमें 7 स्टेप अप्रोच यूज होती है। मतलब 7 स्टेप अप्रोच मतलब 7 स्टेप में हमारा एफएमए प्रिपेयर होता है। अब ये 7 स्टेप्स कौन कौन सी है, 7 स्टेप अप्रोच कौन सी है नए एफएमए की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि पहले 10 स्टेप फॉर्मेट था, अब 7 स्टेप अप्रोच का फॉर्मेट यूज हो रहा है एफएमए को बनाने के लिए। पहले दोस्तों आरपीएम पे बात करते थे। आरपीएम क्या होता था, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। पहले हम सिवियरिटी की रेटिंग देते थे, अकरेंस की रेटिंग देते थे, फिर डिटेक्शन की रेटिंग देते थे, तो उन रेटिंग्स को मल्टीप्लाई करके हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर यानी आरपीएम कैलकुलेट करते थे और उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते थे कि ठीक है हमारे जो लास्ट एडिशन फोर्थ एडिशन था उसके हिसाब से जो हमारे पूरे प्रोसेस में टॉप 3 आरपीएम जो आते थे उसके ऊपर फिर हम एक्शन डिसाइड करते थे, उसके ऊपर हम काउंटर मेजर लेते थे। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है, अब आरपीएम की जगह हम एक्शन प्रायोरिटी यानी एपी यूज करते हैं, एक्शन प्रायोरिटी यूज करते हैं, एपी यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये दोस्तों जैसे कि हमने पहले हम सिवियरिटी की रेटिंग देते थे, अकरेंस की और डिडक्शन की रेटिंग देते थे, तो उन्हीं रेटिंग के हिसाब से एक और चौथी टेबल दे दी है एक्शन प्रायोरिटी की और उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम एक्शन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ये जो एक्शन प्रायोरिटी होती है ये 3 उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है कि हाई एक्शन प्रायोरिटी, मीडियम एक्शन प्रायोरिटी और लो एक्शन प्रायोरिटी। अब हाई एक्शन प्रायोरिटी के केस में आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, अगर टेबल के हिसाब से आपकी एक्शन प्रायोरिटी हाई है, हाई जा रही है, तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक्शन प्रायोरिटी हाई, मीडियम, लो। अगर आपकी एक्शन प्रायोरिटी मीडियम आती है तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको एक्शन लेना पड़े, आप एक्शन मत लो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, इस ज्यादा सीवियर नहीं है इसलिए ले रहे हो, ये क्या रीजन है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। देखो हाई के केस में तो आपको एक्शन लेना ही लेना है, नो डाउट, मीडियम के केस में एक्शन लेना है तो आप लो, अदरवाइज आप जस्टिफाई कर दो क्यों नहीं ले रहे हो एक्शन। आप अगर किसी प्रोसेस की एक्शन प्रायोरिटी मीडियम है ना तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा एक्शन क्यों नहीं ले लो, और लो के केस में आप एक्शन मत लो, कोई लेने की जरूरत नहीं है ना जस्टिफिकेशन की जरूरत है। तो एक्शन प्रायोरिटी पहले हम आरपीएम बेस्ड थे कि टॉप 3 जो आरपीएम होंगे उस पर हम एक्शन लेंगे, अब एक्शन प्रायोरिटी पे बेस्ड होगी कि एक्शन प्रायोरिटी हाई है, मीडियम है, लो है, हाई है तो एक्शन लेना लेना पड़ेगा, मीडियम है तो लो या मत लो, अगर नहीं ले रहे तो आप जस्टिफाई करो क्यों नहीं ले लो, और लो है तो कोई जरूरत नहीं है ना जस्टिफिकेशन की ना एक्शन की। पहले जो हम सिवियरिटी, अकरेंस और डिडक्शन कैलकुलेट करते थे या उसके टेबल से हम कंसीडर करते थे, तो अगर हम सिवियरिटी की बात करें तो पहले सिवियरिटी जो कैलकुलेट होती थी वो इंपैक्ट ऑन योर प्लांट और शिपमेंट टू प्लांट, मतलब कि आपके प्लांट या नेक्स्ट प्रोसेस में उस फेलियर मोड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा या फिर कस्टमर एंड पे उस फेलियर मोड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर चर्चा होती थी। लेकिन अब जो नया एडिशन आया है उसके हिसाब से इंपैक्ट हम एंड यूजर पे देखते हैं कि कोई फेलियर मोड है उसकी सिवियरिटी कितनी है, वो डिपेंड करेगा एंड यूजर पे। एंड यूजर कौन होता है, एंड यूजर कौन होता है दोस्तों, एंड यूजर होते हैं वो लोग जो गाड़ी को खरीदते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। अकरेंस की रेटिंग जो है कैलकुलेट होती थी पहले पीपीएम मेथड पे, मतलब पार्ट पर मिलियन पे। आपको पता है अगर अकरेंस हो ही नहीं रहा है तो रेटिंग एक होती थी, अगर 10 लाख अकरेंस है तो उसकी रेटिंग एक होती थी, मतलब 10 लाख पे एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी रेटिंग एक होती थी, 1 लाख पे एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी रेटिंग 2 होती थी, सॉरी 3, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अकरेंस नहीं है तो 1 रेटिंग होती थी, 10 लाख पे एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है तो 2 रेटिंग होती थी, 1 लाख पे एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है तो 3 रेटिंग होती थी, इसी तरीके से 10,000 पे एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी रेटिंग 4 होती थी। तो पहले पीपीएम बेस्ड हमारा जो होता था अकरेंस की रेटिंग देते थे, लेकिन अब जो है अकरेंस की रेटिंग 3 टाइप से दी जाती है, 3 टाइप ऑफ अकरेंस रेटिंग क्राइटेरिया। अब अकरेंस की रेटिंग देने के 3 तरह के क्राइटेरिया हुए हैं,
मतलब आपको एक नई टेबल मिली है जिसमें जो अकरेंस की रेटिंग है वो तीन पैरामीटर पे डिपेंड करके फिर हमें रेटिंग देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डिडक्शन की जो रेटिंग होती थी पहले, वो डिडक्शन की टेबल भी चेंज कर दी है। डिडक्शन की रेटिंग की टेबल भी इस एडिशन में चेंज हो गई है। यानी अगर मोटा मोटा मैं बात बोलूं तो सब कुछ चेंज करके एक नया फॉर्मेट तैयार किया है, नया तरीका इजाद किया है हमारे फेलियर मोड को और अच्छे से उसको रोकने के, कि जो हमारे फेलियर मोड है उसका इंपैक्ट कम से कम पड़े और हमारे प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ हो जाए। FMEA MSR added in the new edition. अभी MSR क्या है? अगर दोस्तों मैं MSR की बात करूं तो MSR है मेजरमेंट सिस्टम रेस्पॉन्स। FMEA MSR added in new edition. जो एडिशन था पहले हमारा कौन सा एडिशन था उसमें MSR का जिक्र कहीं नहीं था, लेकिन अब मेजरमेंट सिस्टम रेस्पॉन्स FMEA के न्यू एडिशन में एड कर दिया गया है। एक्शन प्रायोरिटी करेक्टराइज इन हाई मीडियम लो, जो मैंने आपको पहले बताई दी है कि एक्शन प्रायोरिटी हाई मीडियम लो के बेसिस पे तय की जाती है टेबल को देख के। मतलब एक एडिशन टेबल चौथी टेबल आपको दे दी है जो कि सिवेटी अकरेंस और डिडक्शन से अलग एक टेबल है, तीनों की रेटिंग को उससे हम मैच करके फिर हम देखते हैं कि एक्शन प्रायोरिटी की कैटेगरी क्या है। फोरम वे ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज फोकस्ड नाउ। पहले जो हम फेलियर मोड के कोर्स देखते थे वो जनरल कॉज देख लेते थे कि फेलियर मोड के कारण ये है, लेकिन अब जो फेलियर मोड हम लेते हैं उसके जो कॉज देखते हैं वो फोरम बेस्ड पे लेते हैं। मतलब कि फोरम जो आपको पता है मैन मशीन मेथड और मटेरियल, इन चार बेसिस फोर इन चार एन के बेसिस पे हम कॉज देखते हैं कि अगर जो कोई फेलियर मोड आया है तो उसका कारण क्या होगा, और कारण भी मैन के रिस्पेक्ट में क्या कारण हो सकते हैं, मटेरियल के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, मेथड के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, और मटेरियल मशीन मेथड मशीन के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक 10-12 पॉइंट्स थे जो कि चेंज पॉइंट्स थे हमारे फोर्थ एडिशन से लेके फर्स्ट एडिशन में FMEA के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मतलब काफी सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यार आपने जो फर्स्ट एडिशन जो आया है और जो फोर्थ एडिशन था उसमें क्या क्या चेंज पॉइंट आई है, क्योंकि पूरा तो बताना पॉसिबल होता नहीं है इंटरव्यू में, तो जस्ट ये पूछ रहे कि चेंज पॉइंट क्या क्या है, और लोग कंफ्यूज आते हैं क्योंकि सब कुछ घोष पोस्ट दे रखा है उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, काफी दिक्कत रहती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि फोर्थ एडिशन से फर्स्ट एडिशन में चेंज हुए हैं, और आज की इस वीडियो का पर्पज हमारा ये था कि इन पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं, आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाए इस चीज से कि जो अब नया एडिशन आया है उसमें क्या क्या चेंज पॉइंट आए हैं, और आपको आगे इंटरव्यू में या आपको अपनी इंडस्ट्री में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों एक बात और, अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं अलग से एक लाइव सेशन रख लूंगा ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं वहाँ पे और अच्छे से, ताकि जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही हो या यूट्यूब लाइव पे ही हो तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। दोस्तों थैंक यू, आज की वीडियो समाप्त होती है, धन्यवाद।